एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और संस्था से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष बरकत उर्फ बिट्टू खान ने बताया कि आज की मीटिंग लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और संस्था के लोग अधिक से अधिक लोगों तक की मदद कैसे करें, इस तरह की तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा किया गया इस मीटिंग में। ये हम लोग एक आदमी युवा फाउंडेशन बना है, इसके लिए सब मीटिंग रखे थे इधर पे। और क्या है कि हमारे साथ में जो पहले के पुराने लोग, जो एक हम लोग की छोटी सी संस्था थी उसमें जुड़े हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता सब मतलब वो हो गया, डिजॉल्व हो गया और धीरे धीरे लोग हटने लगे। उन्हीं को फिर युवा जोश मिलाने के लिए फिर से हम लोग ने एक मजबूत तरीके से आदमी युवा फाउंडेशन का गठन किया है। इसमें बहुत से हमारे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जैसे इसमें यहाँ के लोकल अपने कुछ लोग भी हैं, नेता टाइप के, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना। और क्या है, नेता लोग के पास जाने के बाद भी वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते, कुछ वो नहीं करते, तो उनके लिए जहाँ तक हो सके हम लोग अपने पूरी जोश से मेहनत से उनका सपोर्ट करेंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, या हॉस्पिटल में कोई मैटर हो, या फिर चौकी का मैटर हो, हमेशा उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे उधर बाजू में एक बिल्डर का, जहाँ पे एसआरए का वो बीमारी जो चली, एसआरए का बिल्डर की बीमारी, उसमें बहुत से लोग बाहर के कुछ मालूम नहीं किया, कुछ यहाँ के बहुत से लोग छोटी छोटी संस्था ला के आके और यहाँ पे धतिंग कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं यहाँ के, उनको ज़बरदस्ती दबाव डाल के और उनके लिए मतलब कि तू नहीं ये करेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, मतलब एग्रीमेंट नहीं करेगा तो हम लोग तुमको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत डरा धमका के बिल्डर की तरफ से ये लोग थोड़ा प्रेशर बना रहे। तो हम लोग यहाँ के स्थानीय रहने वाले हैं, हमारी संस्था उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी और जो होगा हम लोग जितना मदद होगा हम लोग मिल के करेंगे, पब्लिक के सपोर्ट में हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। कुंडलों के ऊपर लगाम कसने के लिए हम लोग ये छोटी सी संस्था बना है, जिसमें हमारे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ के एक्टिव लोग हैं और वो मेहनत करेंगे और उसको हम लोग दिखाएंगे और उनकी धतिंग यहाँ पे चलने नहीं देंगे। दिवाली की तरफ से हमारे सबको हार्दिक शुभकामना और सबका दिन अच्छे से, मतलब सबकी दिवाली अच्छे से गुजरे। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो दिवाली में मतलब कमज़ोर उसके लोग हैं, जिसे जिनके पास कुछ मतलब नहीं है ऐसा, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है या फिर कपड़े की है, तो छोटा मोटा जो रहेगा हम लोग अपने संस्था की तरफ से उनको पूरा करेंगे। सर, आपका पूरा नाम और आप